हे गाइस, आई वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ब्लॉग्स। मैं हूँ प्रियंका और आज है सैटरडे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 4:15। मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरा पूरा घर अभी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। नीचे पूरा सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखेंगे आपको, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी पैक कर रही हूँ बैग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर, मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल, इस वजह से। और मैंने आपके साथ शेयर किया था ना मेरे पहले, इससे पहले जो मेरे ब्लॉग्स आया है उसमें, कि हम लोग घर जाने वाले हैं। तो यस, हम लोग आज घर जाने वाले हैं। आज हमारा रात में ट्रेन है, रात 8:20 बजे है ट्रेन। तो उस आज रात को हम लोग जाने वाले आज रात को हम लोग जाने वाले हैं और अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ पैक करने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने अपना थ्रेडिंग भी करवा लिया है, और इस बार ना मैंने फोरहेड पे भी थ्रेडिंग करवाई है, इसलिए मेरा जो ये वाला जो फेस का हिस्सा है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लियर सा लग रहा है। मैंने सोच रही थी मैं अपना अपर लिप्स भी करवाऊँ, बट मेंटली प्रिपेयर जिस दिन होके जाऊंगी उस दिन करवाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है, आज तक ना मैंने अपने फेशियल हेयर नहीं रिमूव किए हैं, बट रिमूव करने अच्छा लगता है यार। रिमूव करने के बाद एक फेस में मतलब अलग सी चमक आ जाती है, और कुछ भी हम लगाओ बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है। इस वजह से सोच रही हूँ कि कभी ट्राई करूँ, अभी देखते हैं। तो चलिए, अभी मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। अमित अभी है ऑफिस में, तो वो आज जल्दी आ जाएंगे वैसे, और हमारा टिकट अभी भी कन्फर्म नहीं है, और रात की जर्नी है तो कन्फर्म हो जाना चाहिए, देखते हैं। तो अमित आ जाएंगे जल्दी ही, बट उससे पहले मैं पैक कर लूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जल्दी हम लोग को निकलना है, 7:00 बजे तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे ट्रेन है। तो खाना वाना भी देखते हैं, अभी खाना खा के जाना है या फिर ट्रेन में खाना है। इंट्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग्स को ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना बनाऊँ। यहाँ पे किसान का सारा कुछ है, तो और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। मैं गई थी मार्केट ये लेने के लिए, एक प्लेन ब्लैक दुपट्टा है, और इस तरह की यहाँ पे लेस लगी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। तो हाँ, मैंने दुपट्टा फेस कवर का भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो ये मैं दुपट्टा लेने गई थी मार्केट आज सुबह को, क्योंकि मैंने जो कुर्ती लिया है ना उसके साथ ये अच्छा लगेगा, और मेरे पास ब्लैक दुपट्टा नहीं है। तो ये कुर्ती मैंने लिया है, ये वाली। और ये वाली कुर्ती मेरी प्रीवियस व्लॉग में आपने शायद देखा होगा, जब मैं ट्रायल कर रही थी ट्रायल रूम में, तो उसके बाद मैंने क्लिप शूट किया था। ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई, और ये थोड़ा सा अलग सा कुर्ती है, मैंने इस तरह का कुर्ती नहीं पहना है। फ्रंट में यहाँ पर बटन है, और ये सारे बटन ओपन नहीं होते हैं, नहीं, यहाँ पर हुक लगा हुआ है, दो हुक यहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ है, बाकी ये जस्ट ऐसे स्टाइल के लिए दिया हुआ है। बहुत ही क्यूट से यहाँ पॉकेट बना हुआ है, जिसमें मैं अपना फ़ोन तो नहीं रख सकती, बट घर की चाबी जरूर रख सकती हूँ, और कुछ एहसान के चॉकलेट्स। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी बॉर्डर लगी हुई है ब्लैक कलर की, तो, और यहाँ पर इस तरह का प्रिंट बना हुआ है, प्रिंट एक्चुअली नहीं है, थ्रेड से काम किया हुआ है। तो ये है, और इसलिए मेरे पास ब्लैक कलर का नहीं है दुपट्टा, तो मैं इसके साथ पहनूंगी ये ब्लैक लेगिंग, और इसके साथ ये ब्लैक दुपट्टा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है, मार्केट से ही लिया है जैसे कि मैंने बताया। और ईशान को मैं क्या पहनाऊँ, मैं सोच रही हूँ ये पहना दूँ, क्योंकि नहीं, ये नहीं पहनाऊँगी, उसको पहनाऊँगी, क्या पहनाऊँगी, उसका तो ये स्वेटर तो रहेगा, क्योंकि रात को ठंडा लगेगा, इसलिए ये स्वेटर तो उसका रहेगा। और उसके अंदर उसको मैं हाफ स्लीव की कोई टी शर्ट पहना दूँ, ये वाली कैसी रहेगी, अच्छी लगेगी ना। और पता है हम लोग कितने बजे उतरने वाले हैं, रात के 2 से 2:30 बजे के बीच हम लोग उतरेंगे बोकारो स्टेशन में, और वहाँ पर उतरने के बाद हम लोग जाएंगे, एक हमारे रिलेटिव हैं उनके वहाँ पर। तो ये है टी शर्ट, ये मैं पहना दूँगी, और उसके साथ ये, और उसका फेवरेट पैंट ये वाली, ये काफ़ी मोटी सी पैंट है, ठंडा भी नहीं लगेगा, और इंसान को अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें इस तरह से टीथ बना हुआ है, बड़ी बड़ी आइज बनी हुई हो गया। और ये मेरा स्वेटर, देखती हूँ मैं स्वेटर पहन के जाऊँ, हाँ यार ठंडा लगेगा आपको। और ये इंसान की कैप हो गई, और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो मतलब बहुत मिस है अभी फ़िलहाल। और मैं आपको दिखाऊँ, मैंने अमेज़ोन से साड़ी लिया था, तो वो साड़ी, एक साड़ी मेरी आ गई है और एक साड़ी आना बाकी है, तो वो शायद अभी तो नहीं आएगा। वो तो चप्पल वगैरह रखे हुए हैं जो कि मैंने क्लीन किए, वो बहुत सारे कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं जो कि जाने से पहले मुझे फोल्ड करना है। इधर मैंने ये बेड उठा के रख दिया है,
ये वाला, ये नीचे गद्दा हम लोग जो बिछा के सोते हैं वो मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि नीचे क्यों उठाया नहीं पता, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो इस वजह से तब मैंने उठा के रख दिया। आज तो ज़रूरत नहीं है तो वो रहेगा वही टैबी। और मैंने निशान का एक एक्स्ट्रा पतला सा स्वेटर भी ले लिया है, क्योंकि ना अभी उतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, तो ये स्वेटर लाइक ये बहुत ज़्यादा मोटी स्वेटर है निशान का, तो ये रास्ते में वो पहन लेगा, वो ये शाम के टाइम की जरूरत होगी, सुबह के टाइम की जरूरत होगी। और मैंने उसके लिए ये इनर ले लिया है, ये भी काफ़ी मोटी वाली इनर है। इसका आपके सामने खेल रहा है जिससे उसकी आवाज़ आ सकती है, तो ओके 5 मिनट का इंटरव्यू हो गया यार। हाँ जय मतलब चलिए अभी वॉइस ओवर के साथ अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे। और मैं अभी करने वाली हूँ छोटी सी क्लीन अप, जिसमें मैं DIY चीज़ें भी यूज़ करूँगी और मार्केट की चीज़ें भी यूज़ करूँगी, तो उसका वीडियो मैं अलग से शूट करूँगी। ओके ओके चलो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं पैकिंग करना। और हम लोग एक ही बैग लेके जाने वाले हैं। पहले अब मैं आपको अमेजोन की साड़ी दिखा दूँ, इसमें है एक साड़ी जो मुझे आपको दिखानी है, और ये है एक्चुअली मेरी शादी की नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये डार्क रेड कलर की साड़ी है और इसमें इस तरह की गोल्डन कलर की थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना साड़ी देखने में। पूरा तो मैं आपको ओपन नहीं करूँगी, जब ब्राइड जब ये साड़ी पहनेगी तब आपको दिख जाएगा, और ब्राइड कौन है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। ओके वैसे आप गेस्ट कर सकते हो, अगर आपको पता है तो, मतलब पता तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट अगर आप गेस्ट कर सकते हो तो गेस्ट कर सकते हो, तो ये है साड़ी, ये है इसका ऊपर का हिस्सा, और यहाँ पे नीचे आएगा इस तरह से, ये वाला नीचे आएगा। बहुत ही प्यारी वाली साड़ी है, और ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये बनारसी साड़ी है, और ये साड़ी हम बंगालीज पहनते हैं अपनी शादी में, तो यानी किसी की शादी है जिस वजह से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और किसी की नहीं, किसी दोनों की शादी है, किसी दोनों की शादी है, दोनों मतलब दो जोड़े की शादी है। ओके तो ये है बनारसी साड़ी। कलर आपको कैसा लग रहा है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, ये डार्क रेड कलर में है, तो रेड कलर की साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। चलो ये भी पैक करके लेके जाना है, और ये है, ये एक्चुअली एक कुर्ता है, और ये मैंने मेरे भाई के लिए लिया है, अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके साथ ये मैरून कलर का पजामा भी दिया हुआ है, ये कुर्ता है, तो इसको मैं अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने इसे अरेंज किया है, कभी मैं नहीं खोलूँगी। मैंने भी करी है थोड़ी बहुत सी शॉपिंग, जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा उसका ब्लाउज़ वगैरह बन जाए, या फिर फॉल्स पिको वगैरह थोड़ा सा हो जाए, मैं घर से घूम के आऊँ उसके बाद, और ओके और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। चलो हम पैकिंग करते हैं। तो अभी मिस्टर पतिदेव आ गए हैं, और पतिदेव आते ही चेक करें कि हमारा टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज़ चेक करके बताइए हमें। और अभी हो गया है 4:30 सामने। वाओ कि सुंदर, ये देखो ईशान का नया खिलौना, मटर बाइक है, कौन से कलर का है, व्हाइट ब्लैक रेड। आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, घर जाने वाले हैं ना, घर जाने वाले हैं ना, यस। हाय गाइस, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मैंने ऊपर से स्वेटर पहन लिया है, ये है अमित जो कि फाइनल टचअप कर रहे हैं बैगों को, और ये है ईशान जो कि बिल्कुल अभी गुस्से में है क्योंकि हम बहुत लेट कर रहे हैं इस वजह से, और मैं बहुत सिंपल से रेडी हुई हूँ। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं और चलते हैं स्टेशन। अभी बज रहे हैं 7:55 और हम लोग स्टेशन आ गए हैं, हम लोग ऑटो से आए हैं, इस बार रास्ते में थोड़ा सा सो गया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर कर लिया है, स्टेशन के बाहर ही एक होटल था वहाँ पे हमने डिनर कर लिया क्योंकि घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं था डिनर करने का इस वजह से, और अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे, बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि ईशान भी थोड़ा सा नैप लेके उठा है, ट्रेन देख रहा है तो रिफ्रेश हो रहा है उसका माइंड,
वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो चलिए ट्रेन का वेट करते हैं और आप भी हमारे साथ वेट कीजिए, और जब तक हम लोग स्टेशन में ना उतर जाए तब तक मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग आई थिंक बनेगा ये। तो चलिए ट्रेन आने का वेट करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके सो हाय गाइस, अभी हम लोग ट्रेन पे हैं और हम लोग जा रहे हैं। सो हाय करो पे तो हमारा सीट कंफर्म नहीं हुआ था, बट एक भैया थे जिन्होंने जिनका एक्स्ट्रा सीट था, बहुत सारे लोग थे वो, तो उन्होंने अपना सीट हमें दिया, तो एक सीट नहीं मिल गया। सीट हम लोग को एक मिल चुका है, और कैसे मिला वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए अभी जितनी देर बैठ सकते हैं बैठ लेते हैं, उसके बाद रात 2 बजे हमें उतरना है, रात के 2 बजे। तो इंसान को थोड़ा सा सुना देते हैं, अब इसको थोड़ा सा राइम्स सुनना है, राइम्स सुनना है, सुनना है। रात के अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग ईशान को सुलाने की तैयारियां कर रहे हैं, बट उसे नहीं सुना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट कभी कभी वो बोल रहे हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ट्रेन से उतरना है अभी के अभी। तो उसको वही बोल रहे हैं कि अभी ट्रेन स्टॉप हो जाए उसके बाद हम लोग उतर जाएंगे। तो बस उसको सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। उसको सुलाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, मैं भी थोड़ा सा सो गई, बट एक सीट में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ही हो रही थी दोनों को सोने में। हम जगे हुए थे पूरी रात, मतलब रात के 3 बजे 3:30 बजे हम लोग उतरे, ट्रेन थोड़ा सा लेट था और हम जगे हुए थे, बट ईशान सो रहा था आराम से और मैं भी थोड़ा सा मतलब सो रही थी, कभी कभार उठ रही थी, ऐसे करके हमारा जर्नी हो गया ट्रेन का। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, 10 मिनट पहले मैं सो के उठी हूँ। उठते ही मैंने अपना फेस वगैरह तो वॉश नहीं किया, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, बाल पूरा बिखर चुके थे क्योंकि मैं थोड़ा सा सोई हुई थी ना इस वजह से, तो थोड़ा सा अपने बालों को कोम कर लिया, मतलब अच्छे से, जैसे रिलेटिव के घर जाना यार, ऐसे कैसे मुँह उठा के चले जाऊँ रात हो या सुबह। तो थोड़ा सा मैं रेडी हो गई और लग रहा है ना कि मैं सो के उठी हूँ, मेरी आँखों से पता चल रहा है। ईशान अभी भी सो रहा है और बस यहीं तक ब्लॉग है। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा।